लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। दोस्तों हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके डेफिनेशन को देखा। हमने ये भी देखा था कि ये जो दिस रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिफाइन रेगुलर लैंग्वेज, और दिस रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिनोट रेगुलर लैंग्वेज। तो किस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन को रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए या डिनोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। ठीक है, तो लैंग्वेज और लेट मी बी मोर स्पेसिफिक, रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन का रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और वही चीज हम यहां पर देखने जाएंगे। मान लो दोस्तों मेरा सिग्मा है ए बी, ठीक है, एंड माय लैंग्वेज इज आई एम डिफाइनिंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज एल इज नथिंग बट स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, मेरी लैंग्वेज है स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। नाउ कैन यू टेल मी विच स्ट्रिंग्स विल बी देयर इन दिस लैंग्वेज, ये मेरी लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी, जो ए से शुरू होती हो वो सारी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में होगी। तो पहले नल, ये नल होगी मेरी लैंग्वेज में, नो नल इज नॉट स्टार्टिंग विथ ए, तो नल नहीं होगी। ए होगा यस, बी होगा नहीं होगा, डबल ए होगा हाँ, ए बी होगा हाँ, ट्रिपल ए होगा हाँ, ए ए बी होगा हाँ, राइट। सो देर विल बी इन्फाइनिट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एंड ऑल दो स्ट्रिंग्स विल स्टार्ट विथ ए। अब दोस्तों मुझे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो, तो आप दोस्तों अगर इसे ध्यान से देखें तो हर एक स्ट्रिंग में, इस लैंग्वेज की जितनी भी स्ट्रिंग होंगी उन सभी में पहला सिंबल क्या होगा, द फर्स्ट सिंबल विल बी ए, और वो कंपल्सरीली ए ही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, तो ये यहां पर इस ए के बाद क्या है नल, यहां पर ए के बाद क्या है ए, यहां पर ए के बाद क्या है बी, यहां पर इस ए के बाद डबल ए है, इस ए के बाद ए बी है। मतलब कैन आई से कि एक बार अगर आपका ए आ चुका, फर्स्ट ए आ चुका, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल इज वैलिड। और दोस्तों एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्टार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये ए हो गया मेरा कंपल्सरी, और उसके पीछे आई कैन पुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल, यहां से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो सारी इस लैंग्वेज में होगी। अब दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई सर कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन सही है और कौन सी गलत है, हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट, राइट। सो मैं यहां पर ये रूल्स लिख रहा हूं, ये ध्यान से समझना, ये आगे हर जगह पे ये रूल्स काम में आएंगे। सो द रूल फॉर वेदर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज एल और नॉट, राइट। सो द रूल, देर आर टू रूल्स, वन इज एवरी स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम आर एंड सेकेंड रूल, स्ट्रिंग्स विच आर नॉट इन एल मस्ट नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम एल, सॉरी फ्रॉम आर। Every string in the language must be generated from the regular expression, and strings which are not in the language must not be generated from R. If both of these rules are getting satisfied,
then we can say that R is a regular expression of language L. If both of these rules are getting satisfied, then and then we can say that the R is the correct regular expression for language. अब दोस्तों यहां पर ये जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है वो मुझे पता है वो सही है, लेकिन आए हम कुछ गलत रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखते हैं और समझते हैं कि वो गलत क्यों है। दोस्तों यहां पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कौन सा आंसर सही है वो समझना जितना जरूरी है, उसके साथ साथ गलत आंसर क्यों गलत है ये समझना भी उतना ही जरूरी है, राइट। तो मैं यहां पर कुछ आंसर्स लिखता हूं एंड लेट अस चेक वेदर दोज आंसर्स आर करेक्ट और नॉट, एंड इफ दोज आंसर्स आर नॉट करेक्ट देन व्हाई इज इट सो, ठीक है। तो चलो मैं एक ऑप्शन लिखता हूं कि भाई मेरा है आंसर ए स्टार बी स्टार, दूसरा है ए बी स्टार, तीसरा आंसर मैं लिखता हूं मान लो ए प्लस बी होल स्टार, चौथा आंसर मैं लिखता हूं ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार प्लस बी। दोस्तों आए एक एक के ऊपर ध्यान से हम देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। चलो पहला मैंने जो आंसर लिखा है दैट इज ए स्टार बी स्टार। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन लैंग्वेज और नॉट। तो दोस्तों दो रूल है, एवरी स्ट्रिंग जितनी भी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है वो सारी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना चाहिए, और जितनी स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है उनमें से एक भी स्ट्रिंग आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं करना चाहिए। इनमें से एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो जाए। अब दोस्तों आप देखिए कि ये जो ए स्टार बी स्टार है इसमें से आई कैन जनरेट नल, इसमें से मैं नल जनरेट कर सकता हूं। नाउ टेल मी वेदर नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज और नॉट। नो, नल इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज नॉट द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपल, ठीक है। अब दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरा आंसर है ए बी स्टार। अब दोस्तों आप ऐसा बोलोगे कि सर इसमें से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होती है ऑल दो स्ट्रिंग्स विल स्टार्ट विथ ए। चलो भाई हाँ बात सही है, इसमें से जितनी भी स्ट्रिंग आप जनरेट करोगे वो सारी स्ट्रिंग ए से शुरू होगी क्योंकि आपने पहला ए कंपल्सरी रख दिया, फिर उसके बाद बी स्टार में से आप जनरेट करोगे नल बी डबल बी इस तरह से, ठीक है। तो ये जनरेट करेगा मेरी स्ट्रिंग्स लाइक ए ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी अप टू इंफिनिटी। तो इसमें से जितनी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो सारी ऐसे शुरू होगी, मतलब ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन कोई गलत स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब रूल टू सेटिस्फाई कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द रूल वन और नॉट। रूल वन क्या है, जितनी भी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है वो सारी यहां से जनरेट होनी चाहिए। अब मान लो मैं आपको बताऊं कि वेदर दिस ए बी स्टार कैन दिस ए बी स्टार जनरेट स्ट्रिंग ए ए बी, कैन इट जनरेट ए ए बी। द आंसर इज नो, इट कांट जनरेट ए बी क्योंकि यहां पर तो एक ही ए है, उसके बाद तो तुरंत जीरो और मोर बी यू हैव टू जनरेट। अब ए के बाद ए इस तरह की स्ट्रिंग ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर सकते, बट दिस ए ए बी इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माई लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज की ये वैलिड स्ट्रिंग है, लेकिन ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर रही है, मतलब पहला रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दिस इज रॉन्ग रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ रहे हो। अब तीसरी एक्सप्रेशन है ए प्लस बी होल स्टार, अब यहां पर तो नल ही जनरेट हो रहा है भाई, तो ये तो गलत ही हो गई, राइट। दिस कैन जनरेट मेनी ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, हमें तो सिर्फ ए से शुरू होती चाहिए, दिस इज ऑल्सो। अब दोस्तों इस ऑप्शन पे देखिए ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार प्लस बी। अब दोस्तों आप देखोगे तो यहां से आप जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे वो सारी ए से शुरू होगी, और आपकी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग जितनी भी आपकी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स है वो सारी ये वाला पार्ट जनरेट करेगा, लेकिन मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ इतनी नहीं है, मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन इज दिस मच, मतलब
माय रेगुलर एक्सप्रेशन कैन जनरेट बी ए, ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें से मैं बी ए जनरेट कर सकता हूं. नाउ जस्ट टेल मी वेदर बी ए इज अ करेक्ट स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज और नॉट, और वेदर बी ए बिलोंग टू द लैंग्वेज और नॉट. द आंसर इज नो, बी ए डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज. मतलब ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग जनरेट कर रही है. रूल वन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. बट सेकेंड रूल जो है कि आपके लैंग्वेज में ना हो ऐसी एक भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी चाहिए, तो सेकेंड रूल ये रेगुलर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज जनरेटिंग अ रॉन्ग स्ट्रिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज बी ए, राइट. हेंस दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो, एंड द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार. यू कैन चेक इट. आप इसमें से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे वो सारी इस लैंग्वेज के होगी, या तो फिर आप लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग आप मुझे दो, आई विल बी एबल टू जनरेट इट. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं लैंग्वेज की एक स्ट्रिंग लेता हूं, मान लो सपोज माई स्ट्रिंग इज ए ए बी ए बी. नाउ वेदर दिस स्ट्रिंग विल बी देयर इन द लैंग्वेज और नॉट, यस दिस स्ट्रिंग विल बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ ए. Now the question is, can we generate these string from the regular expression a dot a plus b whole star, or how can we generate it? तो दोस्तों आप देखें, ये पहला जो a है वो तो compulsory है. अब दूसरे a plus b whole star में से you can generate any combination of a and b, and any combination of a and b मतलब I can generate a b a b, right? So I can generate these whole string. इसको अदर तरीके से देखें तो भाई पहले इसमें से मैं a ले लूँ, ठीक है, फिर मुझे ए बी ए बी जनरेट करना है तो ये ए प्लस बी होल स्टार मतलब जीरो और मोर अकरेंसीज ऑफ ए प्लस बी जो है उसके मैं चार अकरेंसीज लेता हूं. तो मैंने लिया ए प्लस बी, दूसरा अकरेंस लिया, तीसरा अकरेंस लिया और चौथा अकरेंस लिया. सो आई टुक फोर अकरेंसीज ऑफ इट, ठीक है. अब ये वाला जो ए है दैट इज कंपल्सरी, सो ए इज जनरेटिंग. नाउ फ्रॉम दिस ए और बी आई कैन जनरेट, so from this a plus b I can generate either a or b. मुझे कौन सा जनरेट करना है, मुझे जनरेट करना है ये. so यहां से मैं a लूंगा, यहां से a और b में से मैं क्या लूंगा, b. यहां से a और b में से मैं क्या लूंगा, a. and similarly यहां से मैं क्या लूंगा, b, right. so this string has been generated. and similarly all the strings, पहला a अगर compulsory आ गया उसके बाद आप कुछ भी जनरेट कर सकते. एंड क्योंकि यहां पर हमने पहला ए लिखा हुआ है तो कोई रॉन्ग स्ट्रिंग भी जनरेट नहीं होगी. सो दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन. और ज्यादातर दोस्तों स्टूडेंट को ये आंसर जो करेक्ट गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज और नॉट, ये ज्यादातर समझ में नहीं आता. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, आपके लिए तो ये देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गेट के एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज दी गई होती है, आपको चार ऑप्शंस दिए गए होते हैं, आपको तो क्या करना होता है, सही वाला ऑप्शन कौन सा है वो चूज करना होता है, ठीक है. लेकिन सही वाला कौन सा है वो समझने के साथ साथ बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो आई होप इन दिस सेशन यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज. हमने सिर्फ एक ही लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन दोस्तों यहां पर बनाई है. अब इस तरह की मैं कुछ भी लैंग्वेज दू, यू ऑल विल बी एबल टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं आपको दू, मान लो मेरी लैंग्वेज है एल और मैं आपको देता हूं स्टार्टिंग विथ ए बी, देन आई नो दैट एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन. स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए बी मतलब ए बी से शुरू होती हो वो सारी स्ट्रिंग, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगी, भाई पहला ए कंपल्सरी, दूसरा बी कंपल्सरी, उसके बाद चाहे कुछ भी आए, तो चाहे कुछ भी आए उसके लिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्टार. अब अगर मैं मान लो देता हूं स्टार्टिंग विथ बी ए बी ए, अगर मैं ये देता हूं स्टार्टिंग विथ बी ए बी ए, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, वेरी सिंपल, आप डाल दो पहला बी ए बी ए, उसके बाद ए प्लस बी होल स्टार. अब दोस्तों अगर मैं आपको देता हूं यही चीज एंडिंग
एंडिंग विथ ए बी, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई मेरे लास्ट में ए बी होना चाहिए, उसके आगे चाहे कुछ भी आए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कम्स बिफोर, बट लास्ट में क्या होना चाहिए, ए बी. सिमिलरली इफ आई गिव यू एंडिंग विथ दिस, एंडिंग विथ बी ए बी है, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, ए प्लस बी होल स्टार बी ए बी. वेरी इजी राइट. तो दोस्तों आज के सेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन समझा, क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है. ऑफकोर्स आज के सेशन में हमने बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेजेस देखी है, तो उसके रेगुलर एक्सप्रेशन भी बहुत ही सिंपल है. आगे के सेशन में हम और भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस लेकर के रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे. थैंक यू.